क्या लगते हैं आप राकेश के? मैं चाचा लगता हूँ। क्या वारदात हुई बताएं थोड़ा। हमारे को तो पता नहीं, 11:30 बजे फोन आया था जी, मेरे को तो जगबीर ने ही फोन करा था जी, भाई हॉस्पिटल में आ जाओ, राकेश का चोट लग रही है। तो वहाँ जाकर देखा तो डेड ही हो रहा था जी। तो किस पर शक है आपको? मेन तो बाबा ही है जी, बाकी और दूसरे जो 5 लेकर आए उनके उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाए। हमारी तो यही रिक्वेस्ट है। बाबा के पास जाता था राकेश? बस घूमते फिरते खट्टे रहवा थे जी, आज कल तो बाबा के साथ था जी वो। क्या ये भी पता लगा जी? राकेश कुछ नहीं काम करता जी। बच्चे कितने? नहीं, अनमैरिड है। कितनी उम्र है इसकी सर? 32 साल। हाँ, 32-33 साल के करीब। नशा वगैरह करते? हाँ, कभी कभी ड्रिंक कर लेता था जी राकेश। तो बाबा के साथ कभी साथ बैठे? नहीं, माने तो इसके बारे में सुना नहीं है जी, हमने नहीं सुना इसके बारे। आपको कैसे लगा कि बाबा जी ने उनका मर्डर किया? आपको कैसे शक? यही बता रहे हैं जी, जो बंदे लेकर आए हैं जी, जो 5 लड़के लेकर आए ना, 4-5 वाले लोगों से, वो बता रहे हैं जी। क्या बाबा के साथ कोई लेन देन? नहीं, कोई लेन देन नहीं है जी, कोई लेन देन नहीं है सर। मृतक राकेश से जी। किस तरह, क्या वारदात हुई थी? बाबा जी ने वो चेदार से मारे जी उनको, यहाँ भी है जी गले पे निशान जी, और इधर भी है सर, 2 निशान है सर। कौन छोड़ के गए? वही जो लोग जिन्होंने मतलब जो उधर मुल्ले गए जी, वाल्मीकि के लड़के हैं, वही छोड़ के गए थे बाइक पे सर उसको, और साथ में बाबा जी को बिठा के लेके आए थे सर। वो बाबा भाग रहे थे तो उन्होंने पकड़ा उनको, तो वो साथ में लेके आए हैं। तो उसका कोई झगड़ा हुआ राकेश? पहले तो कभी सर सुना नहीं झगड़ा। हाँ, अभी आया था बाबा जी, पहले भी आते रहते थे जी, पता लगा था भाई आते थे पहले भी। तो राकेश बाबा जी के पास क्या करने जाता था? बस वैसे ही साधु के पास क्या करने जाते सर, बैठ जाते हैं बस, वही बात है, बस वही बात है सर, नशे के लिए लगा लो कुछ भी लगा लो सर। आप मरने वाला कौन है? हाँ जी, राकेश है मृतक जी। हाँ जी, राकेश की कहाँ मिली है? यहाँ पे बाहर जी, मैन गली पे, जो मतलब खुर्दा जी, खुर्दे के सामने वहाँ वारदात हुई है। वो उन्होंने टाइम बताया 9:40 का जी, और उधर हमने पता कराया, वो बोल रहे हैं कि 9:40 पे कोई यहाँ वारदात नहीं हुई है। सीसीटीवी फुटेज निकलवा के? नहीं, हाँ देखो सर, उधर है तो नहीं है सर। फिर वो मेरी अपील आ गई, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए सर, रिक्वेस्ट आज जोड़कर। क्या नाम है जी? बच्चन सिंह है। क्या था मामला कल जो रात मामला हुआ? मैंने ये सुना था कि भाई बाबा ने उसको एक्सपायर कर दिया, कत्ल कर दिया उसका। 4 जगह उसके निशान है चक्कू के, 2 गर्दन में है, 2 पेट में है। नहीं, इतनी उससे कैसे कह सकते हैं भाई बाबा जी ने किया कत्ल? जो वो उस लड़के लेकर आए थे ना, वही बता रहे हैं। उन्होंने कहा कोई झगड़ा हुआ जी? झगड़ा उनका वही होगा जो भी रंजिश हुई। पता क्या बात है, ये घर से ज़्यादा दूर है, हमारे मोहल्ले से भी थोड़ी सी दूर ज़्यादा है वो, जहाँ झगड़ा हुआ है उसके बारे में तो एक वो मिंटू मिंटू है कोई, जो खुर्दा करता है उसकी दुकान के पास हुआ है, उसी ने ज़्यादा ज्ञान होगा इसके बारे में। राकेश श्रोफ रामपाल फतेहपुर कुंडरी का है लड़का ये, और एक वहाँ डेरा मंदिर है इनका, उस मंदिर में एक बाबा आया हुआ था, उसके साथ इनकी कुछ बातचीत हुई है, उसने इसके ऊपर चक्कू से हमला किया है, जिसको इसके परिवार वाले वो हॉस्पिटल लेके तो उसकी डेथ होगी। पाल श्रोफ राजाराम इसका चाचा है, उसके बयान पर हमने 300 का मुकदमा दर्ज कर दिया है। तो ये बाबा के पास क्या लेने जाता, कोई नशा वगैरह करता था? वो तो आगे क्या पता भी क्या करते थे, अभी तक कोई ऐसी बात नहीं आई है सामने, लेकिन ये बाबा मंदिर में आता जाता रहता है और ये इनके साथ उठते बैठते हैं। जैसे परिजनों का ये आरोप भी है कि जो लोग इनको लेके आए 4-5 लोग वो भी शामिल हो सकते हैं, क्योंकि कुछ उनको कुछ नहीं कहा जाएगा, तफ्तीश में जो भी आएगा जब कह सकते हैं। फिलहाल तक तो वो चीज थी। मरने वाला का नाम है राकेश। सीसीटीवी निकल ली? बाबा का नाम सिर्फ प्रदीप आया है अभी तक, कोई चीज रात को लेट हुआ था, ये 1 बजे से इतना आई थी उन्हें पता लग गया। आस पास से कोई सीसीटीवी वगैरह फुटेज अभी लगे हुए हैं वहाँ सी एन एन टीएम से, सारी चीज मौका से उठाई गई है, अब सारी चीज़ देखेंगे क्या है वहाँ कैमरा वगैरह, वहाँ मौके पर ऐसा है नहीं।